अगर हम चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इस फार्म की ओनर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा। चलिए आप लोगों को भी इनसे मिलाती हूँ, एक प्यारी रियल स्टोरी। सो रिलैक्स एंड लिसन। आज हम लोग आपके यहाँ पर आए तो सीरियसली बहुत रिलैक्स हुए, और फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे लग ही नहीं रहा है कि जैसे ऊपर से धूप आ रहा है या हमें गर्म हो रहा है, क्योंकि इतनी फ्रेशनेस है आपके इधर। तो मैं तो पहले अपने फ्रेंड्स या मेरे सब्सक्राइबर्स को यही कहना चाहूँगी कि सीरियसली आप यहाँ पर आइए, इसका अनुभव लीजिए। मैं अपना अनुभव आपको बताने वाली हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या फीलिंग हुई है। मतलब लिटरली मुझे ऐसे फील हो रहा है कब से कि आई एम आउट ऑफ वर्ल्ड, मैं कोई दूसरी दुनिया में आई हूँ, और पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पेड़ों के साथ मिल गई हूँ। मतलब ऐसे लग रहा है कि इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई है और ये मेरे दोस्त हैं, और इनके साथ मैं पूरा दिन आज एंजॉय कर रही हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से आई हूँ, अब तक तो मैं एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं हुई हूँ। मतलब फ्रॉम मुंबई टू पालघर ट्रैवल करके, उसके बाद खाना खा के, उसके बाद इनके साथ थोड़ी देर बातचीत करके, इनके फैमिली, ओ माय गॉड इट इज़ सो ऑसम फैमिली, इनके हस्बैंड, इनकी बेटी, दे आर सो डाउन टू अर्थ। मतलब ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात मुंबई में तो नहीं होती कि जिनको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। मुझे उनको देखकर ऐसे फील हो रहा है कब से कि इनको नहीं लगता होगा कि मैंने एकदम पब में जाना चाहिए, मैंने सब पार्टीज करना चाहिए, मैंने फ्रेंड्स बनाने चाहिए क्या इनको। तो जब मैं इनको तीनों को हंसते खेलते देख रही थी फैमिली को, तो मुझे लगा नहीं, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ों की, क्योंकि इनके जो लाइफ की फ्रेशनेस है वो यहीं पर है। और आज वो मुझे फील हो रही है, जब मैं यहाँ पर हूँ तब मुझे पूरी तरह से फील हो रही है वो फ्रेशनेस अपने आप में। तभी तो उन्होंने टूरिज्म जैसी चीज़ें स्टार्ट की है। तो आपको मैं आज मिला रही हूँ, अब तो मेरी अच्छी दोस्त बन गई है ये, लेकिन मैं इनके मुँह से उनका नाम आपको बताने को बोलूँगी, और ये क्या क्या कर रही है, और इनकी जो लाइफ स्टोरी है सीरियसली सुनने जैसी है। मतलब इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया उनके बारे में, और कैसे वो यहाँ तक पहुँची है, किस तरह से उन्होंने अवार्ड्स लिए हैं, मतलब गवर्नमेंट अवार्ड्स इनको मिले गए इनके फार्मिंग को, और कैसे इनकी फैमिली सपोर्ट इनको है। तो हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, और ये बातचीत मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ इनके ही मुख से। तो आपका नाम बताइए ना पहले। जी, मेरा नाम हर्षाली विजयमाली, प्रॉपर मैं पालघर से हूँ, मेरा गांव शिरगांव है, मेरा जिला भी पालघर, ये दोनों पालघर में। तो हम लोग शिरगांव बोलने के लिए ऐसा बोलते कि हर्षाली विजयमाली एटपोस्ट शिरगांव राणा पालघर। अच्छा, मतलब आपका मैका भी पालघर है और ससुराल भी पालघर। ओके, सो आपके मैके में भी आप फार्मिंग का ही काम करते थे? नहीं, मम्मी इनका दूध का व्यवसाय था, तो लोगों लोग बचपन, मैंने जो बचपन में देखा है, तो मम्मी ने दूध, और वैसे भी उनके यहाँ नारियल और केले के झाड़ी, ये वो वाला फार्मिंग था, क्योंकि फार्मिंग में बहुत डिपार्ट, जैसे सब्जियाँ उनकी मम्मी के घर पे नहीं लगती थी, ससुराल में लगती है। मम्मी के घर पे भैंस थी और नारियल के पेड़ थे और केले के पेड़, ये उनका बिजनेस था, उनका वही काम करते थे वो लोग। अच्छा, तो अभी यहाँ आने के बाद, मतलब जैसे आपने मुझे ऑलरेडी बताई है बहुत सारी बातें कि आपकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई, तो आपकी क्या एज में शादी हो गई? मैं 18 साल की थी तब मेरा शादी हो गया, यहाँ आके 19 कंप्लीट हुआ है। अच्छा, और आपको फर्स्ट चाइल्ड 19 मैं 19 साल की हुई, तो मुझे मेरी पहली बेबी ट्विंकल मेरे पास आ गई। अच्छा, देखिए इतना अर्ली मैरिज और प्लस अर्ली चाइल्ड होते हुए भी आज ये लेडी अपने लाइफ में एक सर्टन मुकाम पर पहुँची है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं मतलब दुखियारी बलिहारी टाइप ये चीज़ें है नहीं। अगर आप चाहो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इनकी पूरी बातें सुनोगे, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर मुझे बीच में लगा तो मैं सच में इनको कुछ पूछूँगी, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये क्या करती है, कैसे करती है, किसकी मदद इनको मिलती है, इनके पास कितना स्टाफ है, और ये किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ी, और अभी भी वो पढ़ाई भी कर रही है उसके साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें इनके मुँह से हम सुनेंगे। मैं शादी करके यहाँ 1997 में आई, 98 में ट्विंकल बेबी हुआ, ट्विंकल हो गई मेरे पास। 5 साल तो हर एक लेडी को लगता है अपना साचा बदलने के लिए, क्योंकि अपना मायके का रहन सहन, खान पीन, उधर का व्यवसाय अलग, यहाँ के पूरा बात अलग। फिर सब लड़कियाँ ऐसा सोचती है ना कि मैं शादी करके कोई नौकरी वाला लड़का रहे, मैं फ्लैट में रहूँ,
लेकिन ये उम्र ऐसी थी जो मुझे दिखाई गया वही समझ में आया और वही में मैंने एक्सेप्ट कर ली कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे विजय के साथ ही रहना है, मेरी सासू माँ के साथ रहना है, मुझे जॉइंट फैमिली में रहना। विजय है मेरे मिस्टर, विजय मेरे मिस्टर है और मेरी सासू माँ है, मेरा देवर है, देवरानी है, हम कुल मिलकर 9 लोग घर में रहते हैं एक साथ, हमारा जॉइंट फैमिली है। अच्छा, तो 5 साल तो मेरा उनके साथ में ऐसे ही समझने में ही गया। तब तक तो मेरे 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े करते करते खुद भी बड़ी हुई हूँ, क्योंकि उतना तो कुछ नॉलेज रहता ही नहीं, पढ़ी नहीं हूँ। 12th तक गई कॉलेज, तो 10th में एंगेजमेंट हुआ, 12th तक कॉलेज, इसका मतलब यही है कि कॉलेज में सिर्फ विजय के साथ घूमने जाती थी, पता तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई किया ही नहीं। और विजय भी 8th स्टैंडर्ड ही पढ़े, तो पढ़ाई का तो हमें कुछ पता नहीं। जब ट्विंकल मेरे पास आई तो इनके अच्छे दोस्त थे डॉक्टर प्रमावट करके, उन्होंने बोला था कि देखो कुछ भी हो जाए, आपको कुछ प्रॉपर्टी बेचना पड़े बेच देना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूर, आप बच्चों पे इन्वेस्ट करोगे आपको बहुत प्रॉफिट रहेगा, बच्चे सबसे मेन है, आप उनको पढ़ाओ, आपके पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि तेरे कपट में कितना पैसा है, देखेगा आपका बच्चा क्या करता है, आपका बड़ा प्रॉपर्टी वही रहेगा, तो आप बच्चों को पढ़ाओ, इसके ऊपर हमारा सबसे पहला फोकस रहा। बाद में 5 साल के बाद तो 5 साल तो घर में ही गए, घर का खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल ले जाओ, लेके आओ, इससे शुरू हुआ। फिर फार्मिंग में सासू माँ को हेल्प करने लगे, विजय, जय और सासू माँ, और मैं, हम चारों का घर बना। फिर पहले तो 3 थे, फिर मैं आ गई, फिर मेरे 2 बच्चे, ऐसा करके हमारा 5-6 लोग हो गए। तो मम्मी सासू माँ को रोज़ भाजी में मदद करने लगी, जैसे सासू माँ सुबह में 6:30-4 बजे मार्केट जाते थे, तो उनको पूरा आने से पहले उनका नाश्ता रेडी करके रखो, फिर सुबह में 7:30 बजे बच्चों का रेडी करके उनको स्कूल भेज दो, फिर जो टाइम मिले फार्मिंग में जो जहाँ स्टाफ काम कर रहा है उनके साथ जाओ, वो क्या काम कर रहे हैं वो देखो, तब तक माँ जी आएगी घर पे खाना नाश्ता रेडी, वो लोग खा के 10 बजे मेरे पास आएंगे कि अभी तू घर पे जा, तेरा चाय नाश्ता कर ले, बच्चों का टिफिन बनाना पड़ेगा उसके लिए, फिर 10-12 बजे आप बना के भी यहाँ काम पे लग जाते थे, फिर बाद में जाके चाय नाश्ता। हाँ, अच्छा, तो 7-6 बजे तो नहीं खा सकते ना, सही बात है, चाय बिस्किट खा लिया तो भी बहुत था, बुढ़ापा रहे तो ऐसे लगे कि खा ले, जवानी में क्या है, कुछ भी खा लो, नहीं खाया तो भी चल जाता। हाँ, सही बात है, एनर्जी रहती है। और फार्म में गए तो ऐसा नहीं ना कि फार्म में गए उधर से ही केला पका चीकू पका दिख लिया खा लिया, सही बात, गन्ना तोड़ के खा लिया। आप फार्मिंग अगर जैसे इन दिनों में नवल कोल या फिर ऐसा जो खा सकते हैं डायरेक्टली जाके, पपई दिखा कटा मिला काट के खा ले, तो फ्रूट से ही नाश्ता हो जाता, तो जो एनर्जी भी मिलती थी, पता भी नहीं है उसमें क्या मिल रहा है क्या, लेकिन एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, भूख नहीं लगती है, तो घर पे जाने की घाई नहीं होती। सही बात है, फिर आके घर पे खाना बनाओ, ऐसे करके दोपहर का खाना सब स्टाफ घर पे आएंगे, उस ऐसा करके मेरा कम से कम 20 साल गया, 18-19 साल तो उसमें मेरा निकल, ऐसे ही पूरा रूटीन, साथ में बच्चे पढ़ाओ, बच्चों को लेके जाओ स्कूल से लेके आने का, उनको पढ़ाई करना, रात तक सासू माँ को सब सामने शाम के टाइम में भाजी बांधने लगो, ले जाओ फार्म में, वहाँ से निकलने लगो, घर पे आओ, उनको पैकिंग करने हेल्प करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, सब मिलके, सब एक साथ थे तो वो है जब मतलब तो मजा। फार्मिंग और जो सब्जियाँ आपके फार्म में उगती है इसको बेचना, ये आप फैमिली का बिजनेस है। अच्छा, मेरे फैमिली का यही पहला, तो सबसे पहला यही बिजनेस रहा फार्म के लिए। ओके, कि अपने फार्म में भाजी होगा और स्टेशन ले जाके बेचो। ओके, उसके बाद में हम लोगों को 12-13 में सबसे पहला कृषि क्षेत्रनिष्ठ पुरस्कार मिला कृषि रिलेटेड। ओके, तो वहाँ पे रत्नागिरी में ये बहुत बड़ा फंक्शन था, तो जब हम लोगों को अवार्ड मिला ना, इतना प्राउड फील हुआ कि फार्मर को भी ऐसा अवार्ड मिलता है तो फार्मर क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, अगर मिल रहा है उनको एक प्राउड फील होता है कि मुझे भी कुछ मिला है। तो सासू माँ, मैं, विजय, हम सब गए थे वहाँ पे वो फंक्शन अवार्ड लेने के लिए। फिर वहाँ पे एक दूसरे को बताते कि हम शहर के पास है तो क्या कर सकते हैं, तो हमें एक आइडिया दिया कि आप एग्रो टूरिज़म चालू करो, आप अगर वहाँ एग्रो टूरिज़म शुरू करते हो तो बॉम्बे से आने वाले लोगों को जो पता नहीं है कि सब्जी कहाँ उगती है, कि कटहर कहाँ लग रहा है, भोपला कहाँ लग रहा है, कटहर भी बड़ा है और भोपला भी बड़ा है, तो कटहर का झाड़ क्यों और भोपले का झाड़ नीचे क्यों। सही बात है, बॉम्बे से जो दोस्त कोई आता था, इनका दोस्त या मेरी ननन दीदी है जो इनकी बड़ी बहन जो बॉम्बे में रहती है, तो उनके तो अरे ये चीज़ यहाँ आती है हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, तो हमें भी ऐसा लगता था, अरे हम हंसते हैं पीछे जाके कि देखो ना इनको ये भी पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगता है, कि दूधी ऐसे लटकता है, ये इनको पता ही नहीं है, तो ये जो हमें पता है वो दुनिया को दिखाओ। सही बात, बॉम्बे के लोगों को दिखाओ, बॉम्बे जहाँ से लोग टूरिस्ट उसको दिखाओ, तो हमें आइडिया अच्छा लगा, तो हमने 2 रूम से शुरू किया, 2 रूम पहले बांध दिए,
किचन तो घर का था ही, घर पे जो खाना बनता है वही खाना खिलाना है, अलग तो होटल के जैसा खाना मैं देती नहीं। अपने फार्म में जो उगता है ऑर्गेनिक सब्जियाँ, जैसे पालक बना तो पालक की सूखी सब्जी भी बना दी या फिर पालक पनीर बना लिया, क्योंकि पनीर भी फार्म बनाते हैं, दूध है घर पे, भैंस का व्यवसाय है यानी डेयरी, तो पनीर भी घर पे बनता है पालक भी, तो पालक पनीर बना दिया, और मॉडर्न भी सब्जी हो गया और ऑर्गेनिक भी मिल गया। अच्छा, तो फार्म में जो उगता है वही सब्जियाँ बना के खिलाओ। आपने बताया कि पनीर आपके इधर है। हाँ, तो ये जो पनीर आपके इधर है ये किस कारण से, मतलब आपने बताया कि हम आपके यहाँ पे फार्म है। हाँ। तो इसके साथ साथ क्या आपके यहाँ पे कैटल्स भी है? जी, मेरे यहाँ फार्म के और रिलेटेड जो बिजनेस होने चाहिए, जैसे भैंस, गाय, बकरिया, मुर्गी, ये सब अपने फार्म में है। फ्रूट्स, अभी फार्म मतलब सिर्फ फार्म बोलेगा तो किसी को ऐसा लगेगा कि सिर्फ गन्ना ही लगाया मतलब फार्म है। सही बात है। लेकिन सिर्फ गन्ना लगाना मतलब फार्म नहीं है, उसके साथ में आप क्या क्या लगाते हो सब फार्मिंग में आया। जैसे अब मेरे पास अभी अपने फार्म में कम से कम 800 नारियल के पेड़ है, फार्मिंग है। चीकू के पेड़ है, 600 चीकू के पेड़ है, फार्मिंग है। सीजनल सब्जियां लगती है, फार्मिंग है। बारिश के दिनों में राइस लगता है, फार्मिंग है। तो एक दूसरे को जुड़ा हुआ सब है। अच्छा, तो मुझे चावल घर का मिलता है, दूध घर का मिल रहा है, सब्जियां फार्म में सीजन में उग रही है घर की मिल रही, तो सब ऑर्गेनिक चीज़ें खा रहे और खिला रहे। तभी आपकी स्किन इतनी अच्छी है, हम मेकअप लगा के बैठे हैं और इनके बिना मेकअप इतनी चमक रही है। इसका कारण ऐसा है कि ये सब फ्रेश खाते हैं और हम सब पेस्टिसाइड वाला खाते हैं, तो हमें लाली पोती करनी पड़ती है मुंह पे, लेकिन इनको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, इनकी स्किन अपने आप में शाइन करती है क्योंकि ये बचपन से ही फ्रेश खाते आए। तो इसका अनुभव आप ज़रूर करिए, इधर आके ये फ्रेश चीज़ें लीजिए। ये बेचते भी है, आपके यहाँ पे बेचा भी जाता है ना? जी मैम, वैसे तो अपने फार्म में जो सब्जियाँ उगती है, सब्जियाँ, फ्रूट्स, दूध, दही, पनीर, चीकू जो है, वो हम लोग टूरिस्ट के लिए तो हर संडे उनका मार्केट लगता है, यहीं पे फार्म में लगाते, जो आपको चाहिए आप फ्रेश निकाल के देते हो, लेके जाते। फिर भी उसके अलावा हर रोज़ पालघर स्टेशन जाता है, उसके अलावा हर मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन बॉम्बे चरनी रोड जाती है भाजी अपनी, अपना खुद का गाड़ी है, सब जितना फार्म में सब्जी या फ्रूट्स जो कुछ बचने जैसा है गाड़ी पैक करके बॉम्बे लेके जाते और वहाँ पे रोड पे लगा के बेचते। तो हमारे पास वो लाइसेंस है कि आप रैयत बाजार करके, तो उसका लाइसेंस हमको हमारे पास है, तो हम वो कहीं पर भी भाजी लगा के बेच सकते। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप इतने कम सालों में कैसे करते गए? मतलब आप जैसे बता रहे हो लाइसेंस है, आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो ये आपने कैसे इसको कनेक्ट किया, मतलब कौन सा ऐसा कनेक्शन था कि जिसके थ्रू आप ये सब करते गए, मतलब क्या सीखा आपने इसके लिए, कोई स्पेशल स्टडीज़ की कि लोगों ने आपको आके हेल्प किया या आपको दिखाया कि एग्जैक्टली ये चीज़ें होती कैसे लाइफ में? सही में तो कोई आके हमें सिखाएगा नहीं कि आपको ये चाहिए, हमें जो चाहिए हमें ढूंढना है। अभी यहाँ के पालघर में कृषि अधिकारी है, कृषि यानी जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं वो हमें बताते, हम अगर उनको पूछे कि बाबा हमें ये चाहिए तो हमें आइडिया देंगे, बताएंगे। वो अपना फार्म देखने के लिए आते हैं लोग कि आपके फार्म में ये सब कुछ है, चलो हम जाके देखें। फिर वो हमें, अरे सर आप तालाब बना सकते हो, सर आप भैंसों और बढ़ा सकते हो, ये एक सब्सिडी मिलने वाली है, ये प्रोजेक्ट आया है, सर आप अभी इन दिनों में आप पेड़ों का, अभी बारिश के दिनों में अगर अपना चीकू के पेड़ है या केले है या नारियल, ज़्यादा बारिश हुआ तो वेस्टेज जाता है। हाँ। खराब होता है, तो हमें इसका भी इंश्योरेंस भरना है। हम अगर इसका 1000-2000 रुपया साल का एक बार भर दे, अगर हमारा नुकसान होता है तो हमें 50,000 मिलता है, तो हमारा फायदा है। तो वो लोग हमें बताते हैं कि आप ये ऐसा करो और उसका बात हम फॉलो करते हैं तो हमें प्रॉफिट ही होता है। आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो नारियल का वेस्टेज होता है उसमें से भी जो कॉकपीट वगैरह, मतलब आप जो इसके लिए फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे पेस्टिसाइड तो यूज़ होता नहीं, और किसी भी तरह का खत जो आप यूज़ करते हो ये आप पूरा ऑर्गेनिक खत यूज़ करते हो, तो ये जो ऑर्गेनिक खत है इसके लिए आपके यहाँ का जो वेस्टेज है उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है? जैसे अभी हमारे पास 800 नारियल के पेड़ है, तो उसमें से नारियल पानी पी के जो पानी हम नारियल को खाली कोकोनट फेंक देते उसको हम लोग, मेरे पास कोकोपीट का एक मशीन है जिसमें स्कैनर है और एक मशीन है, तो उसमें हम लोग अगर डालते हैं नारियल का दो पार्ट करके, तो एक फाइबर और एक कोकोपीट अलग होता है, उसमें से जो फाइबर है वो रस्सी वाले लेके जाते हैं, और जो कोकोपीट जो आटा निकलता है एकदम बारीक सा वो हम फर्टिलाइज़र के लिए यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग, फिर भैंस है तो गोबर मिल गया, बकरी है तो बकरी का शीट मिल गया, पोल्ट्री है छोटा तो पोल्ट्री का शीट मिल गया, तो ये सब मिक्स करके हम खाद बनाते हैं और वही खाद हम अपने पूरे फार्म में यूज़ करते हैं।
तो इसी वजह से वो धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक। आप बोलोगे कि आज मैंने ये साल मैंने ये डाला था तो फिर फ्रूट्स क्यों नहीं दिख रहे, तो कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ इतना फटाफट रिजल्ट नहीं देगी। आपको देख करते ही रहना है, फॉलो करते रहो करते रहो, 7-8 साल में आपको लगने लगेगा कि ये अब भी सही हो रहा है। आपको बिना किसी चीज़ के कुछ केमिकल डाले बिना, कोई भी कुछ खाद यूज करे बिना, ये ऑर्गेनिक खाद यूज करके आप वही प्रॉफिट पा सकते हो बिना खर्चे। आप ये जो वेस्टेज है वही यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम बाहर कुछ लेके आते नहीं हैं तो उसको पैसा देना नहीं है, इसी में हमारा जो पैसा बचता है और फिर वापस उसके हिसाब से हमें अच्छा चीज़ मिलती है खाने के लिए, उसके टेस्ट भी बहुत चेंज है। नहीं नहीं, मैं घर पे ऑर्गेनिक चीज़ें ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुंबई में इतना इजीली मिलता नहीं। मतलब दो ही मार्केट लगते हैं, एक तो बैंड्रा में लगता है और एक टाउन में लगता है। हम मैं रहती हूँ सबर्ब्स में, तो वहाँ पे उस तरफ हमें ऑर्गेनिक मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जो ऑर्गेनिक मिलता है वो डबल ट्रिपल भाव में बहुत ज़्यादा रेट्स पर आता है, हमारे हम तक पहुँचता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक बनता है वो एक्चुअली सीरियसली इतना रेट लेना चाहिए क्या उन्होंने? हाँ, उसका ज़रूरी है अगर ऑर्गेनिक को रेट्स नहीं रहा, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हम जो कुछ यूज कर रहे हैं उससे फर्टिलाइज़र अपने फार्म का, तो जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है वो थोड़ा कम आता है। वो लोग अगर खाद और दवाई मारते हैं तो 5-10 गुना ज़्यादा आता है, तो वो ज़्यादा आता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। हम लोग अगर कम ही चीज़ बेच रहे हैं लेकिन प्योर बेच रहे हैं तो उसका रेट उसके हिसाब से होना ही चाहिए ना। अच्छा, मतलब कि अच्छी क्वालिटी है इसके कारण से हमको रेट लगता है, क्योंकि आपका खर्चा भी सामने वैसा है। हाँ। मतलब आपको जो ऑर्गेनिक चीजें आप यूज करते हो जी, तो वो आपका खर्चा, उसको टाइम भी देना है। हाँ। उसको टाइम देना है, उसको खर्चा करना है। उन लोग थोड़ा सा यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे, हम लोग ज्यादा यूज कर करके हमें इनकम कम मिल रहा है, उसके ऊपर से फ्रूट्स या कोई भी सब्जी थोड़ी कम हो रही है, तो फिर उसका बैलेंस कैसे बनेगा? सिर्फ मैं अगर सिर्फ ऑर्गेनिक के भरोसे रहो तो मैं प्रॉफिट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऑर्गेनिक का भी अगर भाव सेम रहा और उसका भी सेम रहा तो फिर क्या मतलब? हम अगर इसके पीछे टाइम दे रहे हैं, उसको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं कि हमें अच्छा खाना चाहिए, तो फिर मतलब ही क्या ना? अगर सेम रेट्स में गया तो मैं क्यों बेचूँ? मैंने ज़्यादा पेस्टिसाइड और यह यूज़ करके ज़्यादा माल बना के ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ? नहीं, सही बात है, ऐसा कुछ करिए मत। जो मैं आज आके इधर मैंने खाया है ना, इतना फ्रेश, और जो उसका टेस्ट और उसका जो स्मेल मैंने देखा है, तो वो इतना खुशबूदार खाना था कि चावल बोलो या आपने जो वाल बनाए थे, वाल की सब्जी, तो वो भी इतनी फ्रेश। ऐसे वाल तो हम रत्नागिरी साइड के हैं, तो वहाँ से जब हम रत्नागिरी से भी वाल लेकर आते हैं तो भी उसमें इतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती जितनी आज आपके वाल की सब्जी में थी। आपके जो चावली की सब्जी थी तो वो एकदम फ्रेश थी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था, नहीं मुझे ऐसे लगा कि उसको भाजी बनाई नहीं है, हाँ मतलब वो ऐसा, हाँ इतना मीठा लग रहा था। मतलब इन शॉर्ट कि भले आपने उसमें तड़का मारा था लेकिन वो तड़का बहुत साइड हो गया था उसके स्वीटनेस के आगे। तो अगर सब्जियाँ बनानी है और हम लोगों को यही तो मेन है, हम मसाले की वजह से वो अपने मेन जो प्रोडक्ट है उसकी टेस्ट गवा देते हैं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, जो हमें चीज़ें आती है ना वो वैसी रहती है, इस पर मसाले डालने पड़ते हैं उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें मसाले डालने पड़ते हैं। ओरिजिनल अगर चीज़ है ना तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट है, उसको ज़्यादा मसाले की या तड़के की ज़रूरत ही नहीं। आप कच्चा भी खाओ तो आपको टेस्टी लगेगा। सही बात है। सो दोस्तों, ये देखा ना कि मैं एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ टाइम स्पेंड करने आई थी अपनी सिस्टर के साथ, लेकिन जब मैं इनको मिली और इनसे मैंने जाना कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक क्यों महंगा है और ऑर्गेनिक क्यों हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑफकोर्स इनकी हेल्थ देखकर तो आपको पता चलता ही होगा, इनके 2 बच्चे, एक डॉक्टर ही कर रहे हैं और एक इंजीनियर है, तो ये दोनों बच्चों की मम्मी है। लेकिन आपको लगेगा नहीं, ऐसे लग रही है आपको अपने स्वीट 25 में है। तो इसका कारण ऐसा है कि ये बहुत फ्रेश और अच्छा खाना खाते हैं। इवन इनके हस्बैंड बहुत जॉली, फ्रेश फीलिंग, एकदम हेल्दी ये एज में भी। वो अभी मुझे जब बता रहे थे कि मैं मॉर्निंग में 6 से लेके 1 बजे तक 12 बजे तक काम करता हूँ, फिर 12 से 2 के बीच में खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर 2 बजे अपने फार्म पर जाके फिर से काम पर लगता हूँ। तो आप सोचो कि अगर वो इंसान इतना काम करता है तो ड्रेन आउट होना चाहिए, और कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते लोग, कोई दवाइयाँ नहीं खाते, बस जो फ्रेश खाना खाते इससे ये हेल्दी रहते हैं। इनको ना फिगर मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना डाइट फूड खाने की ज़रूरत है, ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पर ये फार्म में हो जाती है। मतलब उनका रूटीन ही ऐसा है लाइफ का। ऑफकोर्स हमारी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपने अपने फील्ड्स है, लेकिन कभी कभार ऐसी जगह पे आके
आप भी टाइम स्पेंड करिए जैसे मैंने और सुनीता ने किया है, और हमने आज का दिन बहुत ही एंजॉय किया है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर आइए, ये बातचीत तो चलती रहेगी, इस जगह को और एक्सप्लोर करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बाय बाय।